हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों बात करने वाला हूं सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के रिगार्डिंग में। तो दोस्तों सहारा इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। दोस्तों जितने भी लोगों का फॉर्म अंडर प्रोसेसिंग में था, सभी का फॉर्म को प्रोसीड कर दिया गया, यानी कि सभी का फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया है। दोस्तों अगर आपका भी फॉर्म अंडर प्रोसेसिंग में था तो दोस्तों जाइए आप चेक कीजिए, आपका फॉर्म को भी प्रोसीड कर लिया गया होगा। दोस्तों मेरा भी पैसा सहारा इंडिया फंसा हुआ था और मैं भी ऑनलाइन अप्लाई किया था। दोस्तों मेरा भी फॉर्म जो अंडर प्रोसेसिंग में था, उसके बाद दोस्तों स्टेटस चेक किए थे, मेरा फॉर्म को प्रोसीड कर दिया गया, यानी कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। तो जितने भी लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है उसके 10 से 15 दिन के बाद उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएगा। दोस्तों बैंक अकाउंट में पैसा उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट में आपका आधार से बैंक सीडेड होगा, यानी कि DBT होगा, उसके बाद ही दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन को और आपको बताते हैं कि कैसे स्टेटस चेक करना है और आपका भी फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सहारा इंडिया पोर्टल पर इस प्रकार से चले आएंगे। तो दोस्तों इस पोर्टल पर आने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस पेज पर आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको पोर्टल का दिख जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जमाकर्ता पंजीकरण, उसके बाद जमाकर्ता लॉगिन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो आधार कार्ड दिए थे वही आधार कार्ड लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों उस वही आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर मोबाइल नंबर के नीचे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर OTP प्राप्त करने पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम आधार नंबर को फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे मोबाइल नंबर फिलअप करके OTP प्राप्त करने पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर OTP प्राप्त करने पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों OTP प्राप्त करने पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे OTP को डालना है। तो दोस्तों वेट कर लेते हैं यहाँ पर OTP आने में थोड़ा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरे नंबर पर OTP आ गया। चलिए यहाँ पर OTP देख सकते हैं 68 12 62 है। चलिए यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। उसका यहाँ OTP सत्यापित करें, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर उसका स्टेटस खुल जाएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उसका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको मेम्बरशिप नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आप देखिएगा तो यहाँ पर मेरा इससे पहले दोस्तों यहाँ पर चेक किए थे तो मेरा अंडर प्रोसेसिंग में था, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसीड कर लिया गया है, यानी कि मेरा फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया है। दोस्तों अगर आप भी सहारा इंडिया में फॉर्म फिलअप किए थे तो जाइए और अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। दोस्तों जिन लोगों का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया उसको फिर से दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों जिन लोगों का अंडर प्रोसेसिंग में था सभी को यहाँ पर एक्सेप्ट धीरे धीरे कर रहा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे सभी का हो रहा, आपका भी हो जाएगा। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं, जैसे कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है तो दोस्तों कितने दिन में मेरा पैसा आ जाएगा और मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होने में कितना टाइम लगा। तो दोस्तों बात कर ले तो यानी कि 1.5 महीना करीब इससे पहले हम ऑनलाइन अप्लाई किए थे, उसके बाद दोस्तों 1.5 महीना बाद मेरा फॉर्म को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। दोस्तों अगर आप 1 महीना पहले या 15 दिन पहले अप्लाई किए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, सभी का फॉर्म धीरे धीरे एक्सेप्ट हो रहा है। सिर्फ आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं रहना चाहिए, अगर अंडर प्रोसेसिंग में है तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर सहारा इंडिया का जो फर्स्ट पेज पर यहाँ पे इस प्रकार से आइएगा तो नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ नोटिस यहाँ पे दिया है, नोटिस को आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों नोटिस में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आपका फर्स्ट किस्त में कितना रुपया आएगा और सेकेंड किस्त में कितना रुपया आएगा, सारा कुछ दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ और आपका फॉर्म को कब एक्सेप्ट किया जाएगा। दोस्तों सारा कुछ इस नोटिस में दिया हुआ, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज का यही बड़ा अपडेट था कि सभी का फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया है और सभी का फॉर्म को एक्सेप्ट धीरे धीरे कर रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।